सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास गूगल क्रोम में गूगल ट्रांसलेट का एरर आ रहा है, दिस पेज कुड नॉट बी ट्रांसलेटेड, तो इस प्रॉब्लम को जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आप जो है सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर हेल्प के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर अबाउट गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास जो है गूगल क्रोम यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपको उसको क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफर टू ट्रांसलेट पेज इन दिस लैंग्वेज, तो आपको जो यहाँ पर एक बॉक्स में चेक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है इस टैब को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों, आपको जो है साइट कुकीज जो है डिलीट कर देना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर साइट सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर क्लियर डाटा के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद इसके साइट कुकीज जो है वो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर एक्सटेंशन में जाना है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर आपको यहाँ पर मोर टूल्स के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपके पास जो भी यहाँ पर अननेसेसरी एक्सटेंशन है तो आप जो है उसको रिमूव कीजिए। रिमूव करने के बाद दोस्तों, आप जो है उसके बाद दोस्तों, आपको जो यहाँ पर ऐप स्टोर में आना है, फिर आपको जो यहाँ पर वेब स्टोर के ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट यहाँ पर शो हो गया, तो आपको जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक कर क्रोम में जो है आपको गूगल ट्रांसलेट ऐड कर देना है। उसके बाद प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप इजीली आप प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।